ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। देश में लव जिहाद मामला इतना तूल पकड़ा कि कई राज्यों ने कानून बना दिया। बिहार के कई जिलों में भी लव जिहाद मामला प्रकाश में आ रहा है। चाहे भोजपुर हो या मुंगेर या जमुई, ताजा मामला लव जिहाद का तूल पकड़ रहा है। आज राजधानी की सड़कों पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पैदल चलकर राज्यपाल तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। साथ ही सभी 38 जिलों में जिलाधिकारी को लव जिहाद कानून बनाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बताते चले, जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र अंतर्गत दिन नगर गाँव में एक नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कर शादी रचाया गया। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि भोजपुर जिले के बिहिया बाजार पर नाबालिग लड़की से जबरन शादी रचाने का मामला प्रकाश में आया। इस बाबत पीड़ित परिवार ने थाना में मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 3 नामजद को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। इस मामले में जब बिहिप के लोगों ने बिहिया थाना प्रभारी शशिभूषण से मुलाकात किए तो उन्हें बताया कि लड़की नाबालिग है। लड़की को सर्टिफिकेट की मांग किया गया है ताकि पक्ष को लगाया जा सके। विहिप कार्यकर्ताओं ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग रखा तो थाना अध्यक्ष ने वरीय पदाधिकारी का हवाला देते हुए कहे कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस पर विहिप कार्यकर्ता ने पूछा कि क्या आरोपी सामने भी आएगा तो आप गिरफ्तार नहीं करेंगे? तो थाना अध्यक्ष ने कहे कि ऊपर का आदेश आएगा तभी ही गिरफ्तार करेंगे। नाराज परिजन तथा विहिप कार्यकर्ताओं ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसपी से मुलाकात किया। बहरहाल भोजपुर में फल फूल रहा लव जिहाद मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। भोजपुर का मामला अब राजधानी में भी गूंजने लगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिथिल परेश थानाध्यक्ष मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करते हैं या अपने वरीय पदाधिकारी का निर्देश का इंतजार करते हैं। भारत माता की जय। वंदे वंदे मातरम। लव जिहाद बंद करो, बंद करो। लव जिहाद बंद करो, लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। लव जिहाद कानून लाओ, लव जिहाद कानून लाओ, लव जिहाद कानून लाओ, लव जिहाद कानून लाओ। जिस तरह की कानून उत्तर प्रदेश में बना है, जिस तरह की कानून गुजरात में बना है, उस तरह से लव जिहाद की बहुत सारी कानून बिहार के अंदर भी बनना चाहिए। बिहार के विभिन्न जिलों के अंदर इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही है। बिहार सरकार से भी यह मांग करेंगे इस लव जिहाद के खिलाफ में एक कड़ा कानून का निर्माण हो और बिहार की बेटियों को बचाने का कार्य हो। आज ज्ञापन किसको सौंपने जा रहे हैं? अभी अभी हम लोग ज्ञापन यहाँ से पद यात्रा करेंगे और ज्ञापन अभी जिलाधिकारी को हम लोग सौंप रहे हैं। आज 38 जिला के अंदर हर जिलाधिकारी को हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसके बाद हम लोग राज्य देखिए सर, ये हमारा ज्ञापन है और हम चाहते हैं कि हमारे जिलाधिकारी साहब त्वरित कार्रवाई करें। जी अच्छा, बिहार में अगर इस तरह की जिलाधिकारी को हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से ज्ञापन हमको दिलवा दीजिए। हाँ। और ये ज्ञापन हम लोग जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं और अंतर धार्मिक कानून जो है बिहार में तुरंत बने और कठोर कानून बने ताकि विपरीत और विपरीत मानसिकता के लोग कोई गलत कार्य को अंजाम न दे सके। और आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक कानून नहीं बनेगा, क्योंकि कोविड का पीरियड है। कोविड के पीरियड में हम लोगों को बहुत हंगामा भी नहीं करना था। एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो सारी चीजों को हम लोग मान के कार्यक्रम आज किए हैं। ठीक है, एक मिनट। आजकल चल रहा है, क्या इसे उसी रूप से जोड़ेंगे? ये बिल्कुल लव जिहाद ही है और इसको विशुद्ध रूप से लव जिहाद ही हम कहेंगे। जी, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम तेज नारायण। जो हिंदू समाज इन विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, जो लव जिहाद का शिकार बन रहा है, वैसे लोगों को इनको आके हम लोगों ने संतावना दिया कि आपके हर एक लड़ाई के साथ, आपकी बेटी नहीं वो हिंदू समाज की बेटी है, हम लोगों की बहन है, इस नाते हम लोग हर एक लड़ाई में
उसको न्याय दिलाने से लेकर उसको मुक्त कराने तक हम लोग आपके साथ रहे। अभी लोकल स्तर पे अगर आप देखा जाए तो जो FIR दर्ज की गई है उसमें पास्को नहीं है और तीन एजेज लड़की है, क्या कहेंगे संदर्भ में? देखिए सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। देखिए हम लोग एक मुख्य जो चल रहा है इतने दिनों से लव जिहाद का मैटर, इसको कहीं कहीं प्रशासन द्वारा या कहीं कहीं अनैतिक लोगों द्वारा दबाव देकर उल्टा सीधा इसको बना दिया जाता है। अब ये नाबालिग का मामला है, पॉक्सो एक्ट इस पर लगना चाहिए। अभी देखें मुंगेर में कुछ दिन पहले हुआ है ऐसी घटना, तो उस पर पॉक्सो वहाँ पर लगा दिया गया। यहाँ पर प्रशासन ने क्यों नहीं लगाया इस पर भी हमको हम लोग को जानना होगा क्यों नहीं लगा। अभी लड़की नाबालिग है, उसको बाहर रखा जा रहा है, उसको परिवार के साथ भेजा जाए, परिवार के साथ रहेगी अपना, उसको 20-25 दिनों दबा कर रखा गया, उसको क्या बयान दिलवाया जा रहा है उल्टा सीधा। अभी तो उसका बयान अभी नाबालिग है तो उसको पॉक्सो एक्ट लगा के उसको जो लोग घूम रहे हैं 2-4 लोग उनको अंदर करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन मुख दर्शक बन के बैठी हुई है जी। तो इसको हम लोग आवाज़ उठाएंगे यहाँ लोकल स्तर पर, थाने पर भी अगर नहीं होगा तो SP से मामला उठाया जाएगा, नहीं होगा आगे DIG DGP सभी लोग हैं उन लोगों को जल्द गिरफ्तारी हो, यही हमारी मांग जी। क्या नाम हुआ आपका? कमल किशोर पाठक, विश्व हिंदू परिषद मंत्री। देखिए पूरे भारतवर्ष में भोली भाली हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों के द्वारा प्रेम जाल में फंसा करके ये एक मुसलमानों के भारत में हिंदू युवतियों के साथ लव जिहाद का योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। भोली भाली लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके उसको इस्लाम धर्म कबूल कराने की योजना चल रही है पूरे भारत में। इसके लिए इस्लामिक जो संगठन है इसके लिए ऑलरेडी फंडिंग करती है। इसका विश्व हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में विरोध कर रही है, अपने स्तर से इसको विफल करने की हमारी पूरी प्रयास चल रही है पूरे देश में और चलती रहेगी। इसके लिए जो कुछ भी करना होगा ये हम भारतवर्ष में सफल नहीं हो